हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इन्वर्स थ्योरमेटिक फंक्शन का, और उसके आपके पास मैंने आपको प्रत्येक फंक्शन जो थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उनके इन्वर्स फंक्शनों के लिए आपके पास प्रांत व परिसर, या हम कहें परिसर को कह सकते हैं मुख्य मान शाखा के बारे में बताया था। ठीक, तो आपके पास आज हम बता रहे हैं थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टीज़ आपके पास गॉफ और फॉग वेदर। ठीक है, तो हमको मालूम है कि आपके पास प्रॉपर्टी के अनुसार था कि गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू भी एक्स होना चाहिए और फॉग ऑफ वाई इक्वल टू वाई प्राइम। तो थोड़ा हमने आपके पास देखा कि ये इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके लिए अगर इनवर्स का अस्तित्व होगा, जी एफ के लिए जी का अस्तित्व होगा, तो उसके लिए इन दोनों फंक्शनों को क्या होना है, तत्समक फलन होना है। तत्समक मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, इन दोनों फंक्शन में क्या होना है, आइडेंटिटी फंक्शन। अब आपके पास पिछले साल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ चुके हैं हम, और इस साल हमने क्या किया, उनके इनवर्स पढ़ लिए हैं पर्टिकुलर अंतरालों के लिए आपके पास। ठीक, तो आपके पास उस इस इन दोनों प्रॉपर्टी, ये जो आपके पास गॉफ और फॉग जो तो तत्समक फलन है, इसके आधार पर हम आपके पास कुछ है ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, या आप कह सकते हो या प्रॉपर्टीज आपके पास है, इसका यूज़ करते हुए आपके पास मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके पास होना रहा, इसका यूज़ हम जब भी प्रश्न में कहा जाएगा कि मुख्य मान शाखा ज्ञात कीजिए, तो उसके दौरान इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज बेसिकली इस ये जो आपके पास इन्वर्टिबल फंक्शन का जो गुण होता है उस पर आधारित आपके पास। देखो, तो पहला, इसके अनुसार ये जो प्रॉपर्टी है एफ और जी का, अगर इंट्रो आपके पास, अगर मैंने कहा कि गॉफ आपके पास दिया हुआ है, तो गॉफ के अनुसार एक्स का प्रतिम एक्स है, तो आपको मालूम है यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन है जी और एफ क्या, उसका आपके पास मेन फंक्शन एफ था, हमने वहाँ पर ऐसा पढ़ा। जबकि होता क्या है कि दोनों के दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो आपके पास गॉफ, अगर आपके पास जी फंक्शन हमने कहा कि वो इन्वर्स फंक्शन, तो हम उल्टा भी कह सकते हैं कि एफ भी कह सकता है इन्वर्स फंक्शन होता है। ठीक है, तो पहले मैं इस प्रॉपर्टी के अनुसार बता रहा हूँ। पास देखो, ये जो पास हमने पढ़ा था कि ये गॉफ जो होगा तत्समक फलन कहलाएगा, पास इसके अनुसार देखो, अगर मैं कहता साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू, देखो गॉफ मतलब हम पढ़ते हैं जी ऑफ एफ एक्स, अब यहाँ पर इनवर्स फंक्शन हो गया साइन इनवर्स, अंदर क्या होगा साइन एक्स, तो क्या प्राप्त होता है इसके एक्स, तो यहाँ पर भी क्या प्राप्त होगा एक्स। ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस एक्स, ये भी कितना होगा एक्स। इसी प्रकार से बाकी त्रिकोणमितीय फलनों के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। किस प्रॉपर्टी के अनुसार है, इसके अनुसार जब जी ऑफ एफ एक्स निकालते क्या मिलता है एक्स, तो वो इनवर्स अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो। अब मुझे मालूम है कि मैंने हम पढ़ रहे हैं टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के लिए उनके इनवर्स इस प्रकार से हैं, तो इनके साथ भी ये प्रॉपर्टी वैलिड होने वाली है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर एक्स का मान कहाँ से कहाँ आपके पास होने वाला है। इस केस में यहाँ पर जब हम निकाले जब साइन इनवर्स, तो यहाँ पर आपके पास जो एक्स है वो कोण के रूप में प्राप्त होगा यहाँ पर, इफ एक्स इज बिटवीन -π/2 to +π, क्योंकि उसको अगर आच्छादक होने के लिए तो अनिवार्य से ही आपके पास होना था। ठीक है, इसी प्रकार से इस केस में एक्स का मान आपको मालूम है कहाँ से, 0 से π, और इस केस में आपके पास एक्स का मान -π/2 से +π/2। इसी प्रकार से तीन तो ये हो गए, अन्य तीन जो आपके पास है मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ आपके पास, देखिए तो अन्य तीन हो जाएंगे पास 10 के बाद में से, देखो कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, और कॉट के हिसाब से आपके पास यहाँ पर भी क्या मिलेगा, वही आपके पास इस, क्योंकि कॉट इक्वल टू होता है साइन कॉस अपॉन साइन, तो आपके पास उस हिसाब से ये आपके पास होगा। देखो कॉट के लिए आपके पास हो रहा है थीटा का मान या एक्स का मान 0 to π, इस प्रकार से बस। ठीक, और इसी प्रकार से आपके पास सेक के लिए देखें, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू भी एक्स होगा। इस केस में एक्स का मान, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि आपके पास ये भी 0 से लेके π के बीच में होने वाला है कॉस के हिसाब से। ठीक है, पर एक अनिवार्य रूप से यहाँ पर एक्स का मान डज नॉट इक्वल टू π/2 होना है, क्योंकि सेक क्या होता है 1/cos, और कॉस का मान π/2 भी कहते हैं शून्य, तो इसलिए एक्स का मान π/2 नहीं होने वाला। ठीक है, और लास्ट कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये सभी केसेस आपके पास इन सब के साथ होने वाले हैं। तो
तो ये किस प्रॉपर्टी पे आधारित है? हमको मालूम है कि किसी भी फंक्शन जो कि व्युत्क्रमणीय है उसके लिए गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है, इसके हिसाब से आपके पास प्राप्त हो रहा है। तो हो जाएगा इफ इस केस में आपके पास थीटा जो होगा माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, पर यहाँ पर एक्स थीटा का मान बस जीरो नहीं होना है। जीरो होगा तो ये कॉस एक्स जो था वो अपरिभाषित हो जाता था, इसलिए जीरो नहीं होना। तो ये आपके पास पहली ये जो प्रॉपर्टी है, ये सारे के सारे जो मैंने आपके पास लिखा है, ये किस पे आधारित है? इस गॉफ ऑफ एक्स पर आधारित है। तो जैसे ये गॉफ है उसी प्रकार से फॉग पर भी आधारित होगा। ये मैंने कहा प्रॉपर्टी फर्स्ट, ठीक। इसी प्रकार से फॉग के लिए मैं आपके पास शुरू के तीन बताऊंगा तो बाकी भी आप समझ जाओगे। पर इस केस में ध्यान देना, यहाँ पर जो एक्स का मान होगा कोण के रूप में होगा। देखो साइन के साथ है, साइन कॉस टेन के इनके साथ है, तो ये एक्स यहाँ पर कोण के रूप में, जब भी जबकि दूसरे केस में अब इस फॉग के अनुसार अगर मेन फंक्शन बाहर हो जाए, यानी साइन साइन इनवर्स एक्स प्राप्त हो रहा है, सेकंड प्रॉपर्टी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले तो ये सारी के सारे पहले में आ गए। अगर देखो इसके अनुसार मेन फंक्शन बाहर, इसको मैं क्या लिखूँगा, एफ ऑफ जी वाई, तो क्या प्राप्त होता है, वाई। तो इस केस में भी वही होगा, देखो मेन फंक्शन बाहर और अंदर से क्या रहा है, इनवर्स फंक्शन उसका। तो इस केस में भी आपको एक्स प्राप्त होगा। बस ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर तो साइन कॉस के साथ मेन फंक्शन के साथ एक्स है ना, तो यहाँ पर तो कोण के रूप में है, पर यहाँ पर आपके पास एक्स का मान किसके बीच होगा, संख्या यानी जो उसकी रेंज है ना मेन फंक्शन की, उसके बीच -1 से 1 के बीच। इसी प्रकार से कॉस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स एफ, इस केस में भी क्या होगा, क्योंकि ये रेंज क्या होती है एक्स की, इस केस में भी -1 से 1। तो ये इस प्रकार से आपका है। ऐसे अगर कहा जाए टेन का, तो टेन मेन फंक्शन अंदर बाहर है और मेन जो इनवर्स फंक्शन अंदर है, तो मिलेगा एक्स से। इस केस में एक्स कोण के रूप में होगा और इस केस में क्या होगा, संख्याओं के रूप में, जो कि -1 से 1 के बीच है। और इस केस में मालूम के बाद कि टेन का मान क्या होता है, -∞ से +∞ के बीच का आपके पास, ठीक है। तो इसके प्रकार से आप ना बाकी जो अन्य तीन त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके साथ भी ये प्रॉपर्टी आप शेयर कर सकते हो आपके पास, तो इजीली आपके पास आप समझ जाओगे कि बस हो क्या रहा है आपके पास, ठीक है। तो जो आपके पास गॉफ और फॉग वाली जो प्रॉपर्टी है किसी फंक्शन के लिए उसके इनवर्स के साथ है कि ये दोनों क्या होंगे, तत्समक फलन, वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर जब इन त्रिकोणमितीय फलनों पर लगाई तो मुझे प्राप्त हुआ, जब बाहर से मतलब इनवर्स फंक्शन है, जैसे यहाँ पर था जी एफ का इनवर्स क्या मिलेगा, एक्स पर। थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर एक्स जो है वो एफ के अनुसार क्या मिलने वाला है, कोण के रूप में प्राप्त होने वाला है, जबकि फॉग के अनुसार जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर फॉग वाली प्रॉपर्टी, तो मुझे यहाँ पर कोण के रूप में ना मिलेगा, मिलेगा संख्याओं के रूप में मिलेगा वाला, इस अंतराल के बीच का कोई एक्स का मान इसके बीच का, ठीक। तो मैंने आपके पास ये तीन के लिए बताया, आप अगले जो तीन कॉट सेक और कॉसेक है उनके लिए इसका मान आप लिख सकते हो बस, ठीक है। तो ये आपके पास है, पहले आपके पास गॉफ और फॉग जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो गुण है उस पर आधारित है। पास देखो मैंने आपको जो इसमें बताया कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ही काचा तक नहीं थे, तो वो व्युत्क्रमणीय भी नहीं हो रहे थे, पर हमने उनको पर्टिकुलर इंटरवल्स के लिए, आपके पास विशिष्ट अंतरालों के लिए क्या बनाया, उनको एकिक व आच्छादक बना दिया है। एकिक बनाने के पश्चात हमने आच्छादक बनाने के लिए क्या क्या, उसका जो परिसर था, उन आपके पास फंक्शनों के जो परिसर थे उनको ही सहप्रांत बना दिया था, सहप्रांत बनाया था, तो आच्छादक भी हो गए हैं, ठीक। तो एकिक आच्छादक नहीं थे त्रिकोणमितीय फलन, पर हमने बना दिया तो उनके इनवर्स का अस्तित्व हुआ था, ठीक। अब अगर इनवर्स का अस्तित्व है तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको भी, उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको भी आपको संतुष्ट करना है, तो उसको संतुष्ट करेगा अगर, तो यानी ये आपके पास कंडीशन आपके पास प्राप्त हो रही है। तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज आई, एक गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स तत्समक फलन के रूप में, फॉग ऑफ वाई। देखो यहाँ पर जी इनवर्स फंक्शन और एफ मेन फंक्शन है ना, तो जब भी ऐसा होगा या ऐसा होगा आपके पास, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स पर। इस केस में जब मैं पहली वाली प्रॉब्लम आ रहा हूँ पास, ये लग रही है आपके पास यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर देखो पहले इनवर्स फंक्शन बाहर से और अंदर मेन फंक्शन, तो इस केस में जो एक्स होंगे वो हमेशा कोण के रूप में मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो एक्स मिल रहा है वो किस रूप में रहा है, एंगल के रूप में, जबकि दूसरी प्रॉपर्टी जहाँ पर पहले क्या आ रहा है, आपके पास मेन फंक्शन और अंदर क्या आ जा रहा है, उसका इनवर्स फंक्शन, जैसे इस केस में हो रहा है। तो इस टाइम पर जो एक्स का, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन के साथ है और इनवर्स फंक्शन का हमेशा क्या आते हैं, संख्याएं, तो जो एक्स जो प्राप्त होगा यहाँ पर क्या होगा, संख्याओं के रूप में प्राप्त होगा। और इनका यूज़ करने वाले हम आपके पास प्रश्नों में, जब आपसे पूछा जाएगा कि इस फंक्शन के लिए मुख्य मान शाखा ज्ञात कीजिए आपके पास, ठीक है। तो आगे मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा आपके पास तो किस प्रकार से हम ज्ञात करने वाले हैं, ठीक। अब देखिए आपके पास
आपके पास क्वेश्चन आपके पास आ गया है, आपको मुख्य मान शाखा ज्ञात करनी है, मुख्य मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मुख्य मान ज्ञात करना है मतलब आपको इस साइन इनवर्स माइनस वन अपॉइंट टू की वो वैल्यू निकालनी है जो कि आपके पास किसके बीच होगी, मुख्य मान शाखा में होने वाली। अब अगर आप याद करो तो साइन इनवर्स के लिए मुख्य मान शाखा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, यानी इसकी जो वैल्यू हुई वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू की वैल्यू बीच की निकालना। ठीक है, तो इसको निकालने के मेथड जो है वो दो आपके पास है, मैं दोनों बता रहा हूँ फर्स्ट। ठीक हो, तो फर्स्ट मेथड देखिए भगवान, वैसे एक ही है पर वो करने की विधियाँ अलग है। ठीक है, तो मैंने माना आपके पास, माना आपके पास कि साइन इनवर्स माइनस वन अपॉइंट टू के लिए मुख्य मान जो है वो क्या है, एक्स है। क्या मान लिया कि मुख्य मान क्या है, एक्स। अब ध्यान देना, जब साइन इनवर्स के साथ ये वैल्यू आएगी ना ये, तो इस टाइम पर आपको यहाँ पर नंबर मिला तो क्या मिलेगा, इस पूरे की वैल्यू के लिए कोण के रूप में, तो मुख्य मान शाखा में से क्या होती है उसकी, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई, साइन के लिए ये इस प्रकार, यानी एक्स का मान माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच निकालना है। ठीक, तो ये आपके पास है। तो मैंने मान लिया कि जो साइन इनवर्स माइनस वन अपॉइंट टू उसका जो मुख्य मान है वो कितना है, एक्स, और एक्स कहाँ है, इसको बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये साइन इनवर्स माइनस वन अपॉइंट टू इक्वल टू एक्स था तो अनिवार्य रूप से जो मेन फंक्शन रहा होगा साइन एक्स इक्वल टू की वैल्यू क्या रहेगी, साइन वन अपॉइंट टू रहेगी। तो ये इस प्रकार से आपके पास रहेगा भाई। अब अगर इनवर्स फंक्शन के अनुसार इस ये जो वैल्यू है इसका प्रतिबिंब ये है, यानी ये पूर्व प्रतिबिंब इसके लिए क्या था, एक्स, तो मेन फंक्शन के अनुसार एक्स का प्रतिबिंब क्या होगा, माइनस वन अपॉइंट टू, ये आपको पहले से मालूम है। ठीक, तो ये इस प्रकार से अब मैं क्या करूँगा, इस इधर जो भाग है इसको भी साइन के पदों में लिखूंगा। देखो साइन एक्स इक्वल टू माइनस, और ये जो वैल्यू आप देखना है कि साइन का मान वन अपॉइंट टू कब होता है, तो आपने 10th में पढ़ा है साइन का मान वन अपॉइंट टू कब होता है, 30 पर, यानी पाई बाय 6 पर। ये अगर ये माइनस नहीं होता, ये माइनस नहीं होता, साइन एक्स बराबर साइन पाई बाय 6, तो सीधे एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाय 6 जो इसमें आ रहा है, पर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आया है। तो नेगेटिव आया है तो हम इसको आपके पास थोड़ा सा चेंज करने वाले के पास है, तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 11th का जो फॉर्मूला है उसका यूज़। आपने पढ़ा है 11th में साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, जिसे हमने इवन वो ऑड के नाम से भी जाना था आपके पास, सम फलन वो विषम फलन। ठीक है, तो ये आपने है ना अपने 11th में पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो ये प्रॉपर्टी जब मैं यहाँ पर लगाऊँ तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 6। अब ये दोनों पक्षों में साइन साइन आ गया, यानी एक्स बराबर क्या रहा होगा, माइनस पाई बाय 6 जो किसको बिलोंग कर रहा है, माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय। तो ये इसका क्या गया, मुख्य मान शाखा के अनुसार इसका ये बस, ये आपके पास जो एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 है वो क्या है, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो आपके पास सो एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाय 6 इज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू, ये आपके पास क्या है, जो आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था वो आपके पास, एक आपके पास सिंपल था। बस आपको थोड़ा सा वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, जब इनवर्स है तो आपके पास जो एक्स जो उसके मुख्य मान मिलेगा वो इनके बीच होगा। अगर ये मेन होता है साइन माइनस वन अपॉइंट टू तो आपको मालूम है सीधे कोण के रूप में, वो हमने 11th में पढ़े हुए हैं आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इसकी मुख्य मान शाखा में उसका मुख्य मान हल मिल गया आपके पास, यानी मुख्य वैल्यू मिल गई आपके पास, मुख्य मान प्राप्त हो गया। ठीक, पहला मेथड ये है, दूसरा भी वैसे इसी प्रकार का है पर उसका करने की विधि थोड़ी सी अलग है, मैं आपको